तो आज समाज में नशे की प्रवृत्ति जिस तेजी से बढ़ रही है उसने न केवल समाज को निगमित करने का कार्य किया है बल्कि युवा वर्ग को भी दिशाहीन करने का कार्य किया है। जानते हैं कि बिना महिलाओं के कभी भी ये समाज हमारा न तो उसका विकास हो सकता है न बदल सकता है। आप देखते होंगे जब आपका परिवार में भी जब महिलाएं नहीं होती हैं तो आपका एक अधूरापन महसूस करते हैं। अब निसंदेह जो आज का ये हमारा कार्यक्रम है समाज में जागरूकता उत्पन्न करेगा साथ ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा। सर्वप्रथम इस संगोष्ठी के अवसर पर हमारे संदर्शक माननीय कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करी। आज वो आवश्यक शासकीय कार्यों से बाहर गए हुए हैं तो लेकिन सदैव वो हमें प्रेरणा देते रहते हैं, हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर पी डी पल्सर निदेशक अकादमी एवं पूर्व सचिव आपका मैं हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपकी प्रेरणा से सदैव विश्वविद्यालय में अनेक कार्यक्रम संगोष्ठियां आयोजित होती रहती हैं और आज यह संगोष्ठी निसंदेह आपकी प्रेरणा का ही प्रतिफल है। हमारे मन की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर नीलांबर भट्ट जो न केवल भारत के प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञों में से एक है बल्कि अपने सरल स्वभाव एवं चिकित्सीय विशेषता जैसे कंसल्टेंट फिजिशियन डायबिटीज हृदय से संबंधित अनेक समस्याओं के लिए हरदोई शहर में एक जाना हुआ नाम है। आपके कई अति आवश्यक कार्यों के बाद भी आप मुख्य अतिथि के रूप में हमसे जुड़े हैं। हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे मध्य अभी सामाजिक कार्यकर्ता श्री दुष्यंत अहुजा जी अभी जुड़ेंगे जो डायरेक्टर साई कृपा नशा मुक्ति केंद्र कमलवा काजा रोड हल्द्वानी से है। मैं अभी वो थोड़ी देर में हम लोगों से जुड़ेंगे। अपने आप इस जो ये संगोष्ठी है हम अपने अतिथियों को अपने मध्य पा करके समस्त विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा है। मैं आप सबका हृदय से आभार एवं स्वागत करती हूँ। इसी क्रम में कार्यक्रम के आयोजक मंडल के समस्त सदस्यों के साथ साथ मंचा सिंह डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल जी डॉक्टर दिगर सिंह परसवान जी आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही यहाँ पर उपस्थित अनेक विभागों के शिक्षकगण शिक्षेत्र कर्मचारी अलग अलग विद्या शाखाओं के विभाग अध्यक्ष शोध छात्र छात्राएं एवं स्पेशल बीएड के अलग अलग सेमेस्टर के अध्यापक हमारे प्रिय शिक्षार्थी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्य तथा सुधीजन मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। साथ ही समाज के साथ ही मीडिया से संबंधित हमारे मध्य उपस्थित लोग आईसीटी विभाग के समस्त सदस्य मैं आप सभी का विशेष स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस संगोष्ठी से जरूर हमारे मध्य एक जागरूकता फैलेगी और हम लोग अवेयर होंगे अपने आसपास जो चीजें देख रहे हैं नशे से संबंधित उसको दूर करने में हम अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं पुनः आप अपने मध्य उपस्थित अतिथियों का विशेष स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने बताया कि महिलाएं बच्चों की भविष्य निर्माता होती हैं और परिवार समाज और राष्ट्र की आधारशिला है। जैसा कि नशा हमारे समाज को किस तरीके से नील रहा है और युवा पीढ़ी जिसके कंधों पर इस देश के आगे ले जाने हेतु प्रमुख सूत्रधार बनने की हम सब की जिम्मेदारी है। आज नशे की गिरफ्त में आकर युवा पीढ़ी राह व जिंदगी के उद्देश्यों से भटक रही है। ऐसी स्थिति में हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि नशे के दलदल में फंसे युवाओं को जीने की नई राह दिखाएं। इसलिए नशे के उन्मूलन हेतु हम सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करें और इस हेतु लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते रहें। जो कि हल्द्वानी शहर के जाने माने सीनियर फिजिशियन हैं उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूं। उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर नीलांबर भट्ट जी एमडी एमबीबीएस एमडी मेडिसिन परामर्शदाता फिजिक्स
मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं, जो खलदानी के मुखानी में प्रतिष्ठित भट्ट क्लिनिक के नाम से जाने जाते हैं और अपना अस्पताल खोल करके मानव सेवा में तत्पर हैं। चिकित्सीय क्षेत्र में 32 वर्षों का आपका अनुभव है। आप ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व में PMHS संयुक्त निदेशक भी रहे हैं। आपने एम्स नई दिल्ली में मधुमेह और एंडोक्राइनोलॉजी में इन कंट्री फेलोशिप भी प्राप्त की है। MBBS एवं MD LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से किया है और वर्तमान में वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक और मधुमेह रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद मैडम सरोला जी। आज के इस नशा मुक्त भारत पखवाड़ा कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर पीजी पंत, संयोजक प्रोफेसर रेणु प्रकाश, श्री सिद्धार्थ उपरिया जी, दिगर सिंह फसमान जी एवं उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स और इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे सभी जो विभिन्न राज्यों से आए हैं प्रतिभागी सदस्य, जैसा कि डॉक्टर देवकी सरोला ने बताया कि मैं चिकित्सक हूं। चिकित्सक का नशा उन्मूलन में क्या रोल हो सकता है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है। आज के विषय में महिला संगोष्ठी और महिलाओं का क्या नशा उन्मूलन में रोल हो सकता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय और विचार का बिंदु भी है। वैसे तो मेरा पूरा परिचय मैडम ने मेरे जाने बगैर मेरे बारे में पता कर लिया और एक चीज आज के कार्यक्रम के नशे के संदर्भ में और मेरी छूट गई थी कि मैं उत्तराखंड का सन 2004 और 5 में राज्य सरकार ने उत्तराखंड बनने के बाद एक नीति तय करी। मैं तब राजकीय सेवा में था, 2011 में सेवानिवृत्त हुआ। वह नीति नशे के संदर्भ में तय करी गई थी कि हम उत्तराखंड में 2 नशा उन्मूलन केंद्र खोलेंगे, एक गढ़वाल में एक कुमाऊं में। तो यहाँ से 4 डॉक्टरों को प्रशिक्षण हेतु NDDTC जो है, जो राष्ट्रीय नशा उन्मूलन रिहेबिलिटेशन संस्थान है जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, एम्स का एक पार्ट है, गाजियाबाद में है, हापुड़ रोड पर, वहाँ हमको 20 दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। उसके बाद 20 दिन प्रशिक्षण के बाद एक बार फिर दोबारा से एक हफ्ते के लिए दोबारा प्रशिक्षण देने के बाद हमें ट्रेनर बनाया गया नशा उन्मूलन के लिए। रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलेगा और हम जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में डॉक्टर्स जो ट्रेन कराए जाएंगे उसका आप ट्रेनर रहेंगे। और दुर्भाग्य है कि 2004 से आज 24 हो गया, अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में रिहेबिलिटेशन सेंटर हरदवानी में नहीं है। तो अब आप इस सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि फाइलों में कहाँ दबी रह जाती हैं, और मैं सेवानिवृत्त भी हो गया और मैंने कहीं अपने रिज्यूम में लिखा भी नहीं कि मैं DA Dixon का ट्रेनर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत फिजिशियन का फील्ड सभी कुछ होता है। बाय डेफिनेशन नशा किसको हो गया, नशे का आदि कौन है, ये कहते हैं। मैं उसके जो साइंटिफिक एडिक्शन के जो पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, एडिक्शन उसको कहते हैं जब किसी सब्सटेंस को लेने के बाद व्यक्ति नॉर्मल परफॉर्मेंस करने के लिए उसको रोज रोज डिमांड करता है, उसका बॉडी डिमांड करती है, उस पर निर्भर हो जाती, उसी स्टेटस को डिपेंडेंस कहते हैं। जैसे कि आप कभी किसी ने लाइफ में एक दो बार सिगरेट पी ली है तो डिपेंडेंस नहीं आएगा। अल्कोहल ओकेजनली लेते हैं, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, तो वो डिपेंडेंस की कैटेगरी में नहीं आता। नशा तभी उसको कम कहते हैं, नशे का आदि, जब उसको अपना रोज का कार्य करने के लिए उस नशे की आवश्यकता होती है। तो रोज व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोज दिन में ही अल्कोहल पी लेते हैं, शाम को उनको नींद नहीं आती, बेचैनी होती, घबराहट होती है, उनका शरीर उस पर निर्भर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तभी हम उसको डिपेंडेंस कहते हैं। कुछ
नशे के जो कैटेगरी है, पदार्थ है या तत्व है या जो सब्सटेंस कहते हैं उनको, उनकी डिपेंडेंस बहुत स्लो और बहुत माइल्ड होती है। और लेकिन जो तीव्र होते हैं, एक बार दो बार तीन बार लेने के बाद ही उस पर डिपेंडेंस होता है, ऐसे भी सब्सटेंस मार्केट में है। और इंटर सोसाइटी का बहुत बुरा प्रभाव है बच्चों पर, इनका इन सब्सटेंस का बहुत अधिक प्रभाव है। भी कैटेगरी वाइज इन सबको बताऊंगा। तो अभी मैं डेफिनेशन की बात कर रहा था, यदा कदा सोशल अल्कोहल लेने को डिपेंडेंस नहीं करते, उस पर रोज जो पीता है और उस पर निर्भर रहता है, एक दिन नहीं पिएगा तो उसको नींद नहीं आएगी, बेचैनी, घबराहट, पसीना, हाथ कांपने लगते हैं, उसको डिपेंडेंस कहते हैं। तो हर ऐसी स्मोकिंग है, रोज स्मोकिंग करता है, एक दिन अगर वो कहता है कि सिगरेट नहीं पीता हूं तो मेरा पेट साफ नहीं होता, बेचैनी होती, नींद नहीं आती, तो इसका मतलब निकोटीन पर उसका डिपेंडेंस है। ऐसे ही जो हीरोइन है, उसको एक दिन भी न ले, एक डोज भी न ले तो वो परेशान हो जाता, पेट दर्द होते हैं, राइनोडिया होता है, घबराहट होती, बेचैनी होती है, रेस्टलेस, घर से भागने लगता है, ऐसा हो उसका डिपेंडेंस के सिम्टम्स है। तो यार हर चीज के सब्सटेंस के डिपेंडेंस के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। इसमें कुछ जो है, एक निकोटीन के सब्सटेंस जो है, टोबैको, भुटका, ये आते हैं, इनकी माइल्ड डिपेंडेंस होती है। इसकी डिपेंडेंस के अलावा इनके दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो शरीर में कैंसर को पैदा कर सकते हैं, हार्ट की बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो जो स्मोक में यूज होता है, कैनबॉइड्स, जिसको चरस, गांजा, भांग भी हम कहते हैं, इसकी डिपेंडेंस निकोटीन से थोड़ा तीव्र होती है। जो चरस लेते हैं वो जल्दी ही एक दो महीना लगातार हफ्ता 10 दिन 20 दिन यूज करने के बाद उसमें डिपेंडेंसी हो जाती है। सिगरेट में, तम्बाकू में तो महीनों लगते हैं, सालों में डिपेंडेंसी होती है लगातार स्मोकिंग के बाद, लेकिन चरस को जल्दी से इस्तेमाल करने से महीने दो महीने में ही उस पर डिपेंडेंसी होती है। और बिना चरस के व्यक्ति को फिर रोज खोजता है रहने में, उसको अपने दिनचर्या परफॉर्म करने में दिक्कत आने लगती है। कुछ सब्सटेंस है जो हीरोइन, जिसको हम कहते हैं आजकल स्मैक, जिसका कॉमन नेम है उसको ब्राउन शुगर भी उसका एक नाम है, उसके उसका इतना तीव्र डिपेंडेंस है कि उसको इनहेलेंट के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है, उसको फॉइल पे बर्न करके नीचे से उसकी फ्लेम, जो स्मोक आती है उसको हीरोइन के स्मैक के जला के नीचे से उस स्मोक को लोग इनहेल करते हैं, इनहेलेंट है के रूप में लेते हैं। और उसकी अगर किसी व्यक्ति ने 3-4 बार भी स्मैक ले ली है तो उसको फिर 5वीं बार लेने का उसका ऑटोमेटिक उसका उसमें निर्भरता हो जाती है और रोज उस स्मैक को खोजता है। अगर हफ्ते 10 दिन 20 दिन किसी ने स्मैक ले ली, हीरोइन ले ली, तो उसकी इतनी तीव्र डिपेंडेंस होती है कि वो घर से सामान चुराने लगता है, पैसे चुराने लगता है, उसके व्यवस्था करने के लिए उसको पैसों की आवश्यकता होती है। तो ये उसका डिपेंडेंस है। अल्कोहल का डिपेंडेंस लगातार करने से कई महीनों दिनों में उस पर भी डिपेंडेंस हो जाती है, रोज आदमी अल्कोहल को लेने लगता है। ये इनके प्रकार है। हेलो, तो इसकी ये जो सब्सटेंस है, इसके अलावा और भी सब्सटेंस यूज होते हैं जो आजकल आपने सुना होगा, रेव पार्टी में यूज होता है, कोकेन का नाम सुना होगा, ये काफी जो इसमें यूज होते हैं जो सब्सटेंस यूज होते हैं, इनमें सबसे कॉस्टली सब्सटेंस है, इसको कोल्ड ड्रिंक में मिला के पी लेते हैं, वैसे खाने में मिला के ड्रिंक्स में पीते हैं, इससे बॉडी का ये सिंथेटोमैग्नेटिक है, स्टिमुलेट होता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, तो इस पर भी बहुत जल्दी डिपेंडेंस होता है। जो कोकेन लेते हैं वो लगातार फिर कोकेन को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, इसकी इसका काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से इसकी इतनी अवेलेबिलिटी छोटे छोटे टाउन में, मिड टियर्स में भी नहीं है, लेकिन छोटे टाउन्स में स्मैक की बहुत अधिक सबसे तीव्र गति से होने वाला हेरोइन, जिसको कहते हैं मॉर्फिन के डेरिवेटिव है, इनकी अफीम भी इसका रॉ फॉर्म होता है, उसकी सबसे अधिक डिपेंडेंस है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी क्या ग्रेविटी है पूरे देश में, क्या तीव्रता है, क्या इसका प्रेवलेंस है डिपेंडेंस का, इसके समाज पर इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ये देखा गया है कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, खासतौर से पंजाब, जे एंड के,
और नेपाल और थोड़ा पार्ट उत्तराखंड का भी, ये इंटरनेशनल ड्रग्स मतलब का गोल्डन रूट भी कहा जाता है। अफीम की सबसे अधिक खेती अफगानिस्तान में होती है, पाकिस्तान के द्वारा इसके जो तस्कर है मादक द्रव्यों के तस्कर उनके द्वारा पंजाब हरियाणा और हिमाचल बॉर्डर से यहाँ उत्तराखंड होते हुए नेपाल के रास्ते बर्मा भूटान से लेकर सिंगापुर तक जो जाता है, इसका एक रूट है, इंटरनेशनल रूट है इसका। अफीम को अफगानिस्तान से पैदा करने के बाद लंका और इधर सॉरी थाईलैंड म्यांमार आगे सिंगापुर तक जाने का, तो इसको गोल्डन रूट इंटरनेशनली जो जो ड्रग बुलेटिन आती हैं इनमें आता है जो सबसे न्यू आता है। तो इसमें एक पार्ट हमारे स्टेट का भी है, इस स्टेट में कुछ इसके डीलर होंगे, कुछ ट्रेडर्स होंगे जो इस रूट को नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ इस रूट से इधर से उधर करते भी। तो जहाँ से रूट है बहुत पुराना रूट है तो वहाँ नेचुरली है कि वहाँ भी लोगों को इसकी अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है। तो जहाँ इन मादक तत्वों की या पदार्थों की तस्करी होती है या उपलब्धता होती है वहाँ नेचुरली जो जिस प्रोडक्ट का जिस सब्सटेंस का इतना जल्दी एडिक्शन होता है उसका प्रिवलेंस बढ़ जाता है। तो हाई प्रिवलेंस स्टेट्स में हिली स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ड्रग एडिक्शन का प्रिवलेंस है, पंजाब है, साउथ के भी कुछ स्टेट्स हैं केरला और तमिलनाडु, इन स्टेट्स में भी ये महाराष्ट्र ये स्टेट भी इंडिया के हाई प्रिवलेंस स्टेट्स हैं जिनमें कि सब्सटेंस अब्यूज अधिक देखने को मिलता है। और इससे सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि यह यंग एज में ही टीनेजर्स से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे यंग जनरेशन में जो स्कूल गोइंग है कॉलेज गोइंग है घर से बाहर रहते हैं पीयर प्रेशर में लेते हैं, एक दिन दोस्त ने सिगरेट ऑफर करी, दूसरे दिन चरस ऑफर करी, फिर स्मैक ऑफर करी, दो दिन तीन दिन तो पहले जो उसको कंपनी में ला रहा है वो पिलाता है, वो तो खुद अपना नहीं लगाता, जब चार पांच दस दिन बाद उस पर डिपेंडेंट हो जाता है तब उससे कहते हैं कि अब तू कर। तो ये कॉमन सा उनका जो ऐसे काम करते हैं सामूहिक रूप से करते हैं। उसके बाद जब उनके पास धन की कमी हो जाती है तो ये देखा गया है कि वो पिक पॉकेटिंग क्राइम छोटे मोटे पेटी क्राइम्स में भी इन्वॉल्व होते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो तो लगभग सभी में सभी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई एडिक्शन के आदि होते हैं। अगर आप जेल में जाके सर्वे करोगे तो वहाँ अधिकतर लोग नशे के आदि मिलेंगे आपको, वो क्राइम भी करते हैं नशे में ही क्राइम भी करते हैं, छोटे क्राइम बड़े क्राइम सब क्राइम नशे में आदमी करता है। यह समाज का एक विकृत रूप है, पंजाब में किस तरह से नशे के आदि होने से पंजाब की पूरी थिंकिंग प्रांत की बॉर्डर स्टेट होने से वहाँ से ड्रोन से भी पाकिस्तान से नशे की पदार्थों को भेजा जाता है, पूरी एक यंग जनरेशन की प्रॉब्लम आ गई है। तो उसको डील करने के लिए घर से ही एक हो सकता है, घर में महिलाओं का माँ का बहनों का रोल ही अपने भाइयों को, या जो ऐसा नहीं है कि ये एडिक्शन महिलाओं में भी नहीं, ये महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है, तो उसको रोका जा सकता है। और कोई अस्पताल ले जाके किसी को एडिक्शन का प्रॉब्लम है उसका ट्रीट करना वो ठीक हो जाएगा, ये लगभग इसका सक्सेस रेट 10-20% ही है, वो भी तब है जब कि आप जो ट्रीटमेंट करने वाला व्यक्ति है जो डॉक्टर है वो अच्छे से उसकी काउंसलिंग करे। तो अदरवाइज 90% ट्रीटमेंट के लिए अगर आप उसको ले जाते हैं तो फेलियर होता है। तो ट्रीटमेंट फेलियर क्यों होता है इसका भी पीछे उसका काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन का ही रोल है। और भिन्न भिन्न सब्सटेंस के सिम्टम साइंस या तो चिकित्सा जो ट्रीटमेंट कर रहा है उनको होते हैं उनको पता होते हैं तो पता चल जाता है कि एल्कोहल का लगातार ले रहा था एल्कोहल विड्रॉल में क्या होता है, एल्कोहल विड्रॉल में आदमी को नींद नहीं आती, पसीना होता है, एक दिन दो दिन न पीने से घबराहट होती है और कुछ लोगों के मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, 3 दिन 72 घंटे से 96 घंटे तक शराब रोज पीने वाले व्यक्ति को अगर न पिए तो उसको दौरे पड़ के बेहोश हो जाता है, एक कंडीशन होती है डिलीरियम ट्रेमेंस, होश में नहीं रहता, पागल बनने की बातें करता है, घर से बाहर भागता है, कपड़े फाड़ने लगता है, ऐसा भी अल्कोहल विड्रॉल का एक सिम्टम है। अल्कोहल विड्रॉल में स्वेटिंग घबराहट नींद आना ये तो कॉमन सिम्टम्स है।
तो ये चिकित्सक को पता होता है, चिकित्सक का रोल उसका विड्रॉल का ठीक करने तक का ही लगभग रहता है। 10 दिन का उसका डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं, उसमें उसका सब्स्टिट्यूट मेडिसिन सेडेशन वगैरह दिया जाता है। उसके बाद जब एक बार उसका विड्रॉल खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद मेन रोल ट्रीटमेंट के लिए रिहेबिलिटेशन का होता है। उस व्यक्ति की काउंसलिंग का लिया है, वो क्यों अल्कोहल लेता है, क्या उसके पारिवारिक समस्याएं हैं, क्या उसकी सोशल प्रोजेक्ट है, क्या उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या उसका वर्क प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है, तो सब चीज़ों को जब कोरिलेट करके उसके लिए कोई रिजल्ट हम निकालते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसके लिए कोई प्लान तैयार करते हैं और घर वाले उसका सहयोग करते हैं, तभी वो उस नशे से दूर रह सकता है। घर में सब कहें शराबी है, जो समाज ने भी कह दिया, घर वालों ने भी कह दिया, जाने कुछ नहीं करता, तो घर में भी नेग्लेक्टेड है, समाज में भी नेग्लेक्टेड है, ऑफिस में भी कहते हैं तो शराबी है, काम नहीं करता, थोड़े से क्या करना। तो जब उस सब तरह से नेग्लेक्टेड होता है, जो उसकी महीने की पगार मिली उसने वो पीने में लगानी, तो ऐसे लोगों को अस्पताल जाके ठीक ट्रीटमेंट होता नहीं। तो ऐसे में महिलाओं का रोल बहुत अधिक है, काउंसलिंग सबसे अच्छे तरीके से महिलाएं कर सकती हैं जो एजुकेटेड है साइकोलॉजी वगैरह में, या घर में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बहन माताएं हैं, कर सकती हैं। उसको एक बीमारी के रूप में देखना चाहिए एडिक्शन की प्रॉब्लम को, ये कोई वो नहीं है कि इसको ये ऐसा कर रहा है तो ये गलत काम कर रहा है, वो किसी कारणवश ऐसा करने के लिए विवश हुआ है, किया है, तो वो पास्ट की बात है, उसके फ्यूचर को लेके उसका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान बनाना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। हम देखते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर जितने भी हैं सब ले जाते हैं उसको, वो चीज़ को एब्सिनेंस करवाते हैं, उसको उपलब्ध नहीं करते। 10 दिन 20 दिन 30 दिन 1 महीना आपने अल्कोहल का एडिक्शन है, हेरोइन का एडिक्शन है, नहीं दिया उसको, लेकिन उसकी घर की कंडीशंस और उसका जो पूरा प्लान है वो आप उसको नहीं एक्सिक्यूट कर रहे हैं, तो जाके जैसे ही वो रिहैबिलिटेशन सेंटर से घर जाता है उस दिन फिर पीने लगता है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने वालों का भी लगभग 70-80% फेलियर केस है, लॉन्ग टर्म उनका एब्सटिनेंस बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो यह इसलिए जो है समाज की और घर वालों की और कलीग्स की, हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं या हमारे जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हेल्प करने की है। ट्रीटमेंट इसका कोई बहुत अधिक नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स दिए जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के 10-15 दिन का अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग पीरियड होता है, उसके बाद उसको लो डोज एंटीडोट्स पे हम रखते मेंटेन करते हैं। मैं पुनः आपका शिक्षा विभाग, मानविकी विभाग और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम में प्रोफेसर पीडी मंसर को आमंत्रित करती हूँ। मंचा सिंह अतिथि तथा सर्वाधान उपति सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम यहाँ पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसका टाइटल है नशा मुक्त समाज बनाने में महिलाओं की भूमिका पर, आप सबका बंदन अभिनंदन। और हमारे लिए ये और भी बड़ी विशिष्ट अवसर है कि हमारे शहर के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर नीलांबर भट्ट जी हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, और हम सब शहरवासी जानते हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और जब सरकारी नौकरी में थे सब जानते हैं वो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, और इसीलिए वो हम सबके बीच और समाज के बीच जाने जाते हैं। और हमेशा जैसा आपने या हम सब ने अभी नशा मुक्ति के बारे में उनके विचार सुने, वो उसके अग्रणी कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत कार्य किया है कि हम समाज को सुधार सकें, और ऐसे हम में से कुछ लोग जो इस राह पर चल के किसी गलत वजह से जा चुके उनको वापस लाया जाए, उसमें बहुत प्रयास किया, इसी के लिए वो बहुत फेमस हैं। और मैं आप सब से कहना चाहूँगा कि एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत करें। और जैसा कि हम जानते हैं और साथियों ने बताया कि आज हम यहाँ पर एक जो एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जो आज मेरे ख्याल से राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस भी है, उस दिवस पर उपस्थित हुए हैं, तो कितने तरह के नशे होते हैं और कैसे हम उसके आदि होते हैं और क्या उसके कुप्रभाव दुष्प्रभाव तो होते हैं, मेरे ख्याल से अच्छा प्रभाव कहीं नहीं होता है। और डॉक्टर साहब ने यह भी बताया
कि उसके लिए दोषी कौन है, यानी वो हमेशा एक आदत होती है। तो आदत ये नशा ही होता है, आपको ये आदत बन जाती है। और जो उन्होंने कहा कि जब वो आदत आप पर हावी हो जाए, आप उसके बिना रहना नहीं सके, तब एक नशा हो जाता है। और वो निर्भर करता है कि आपको एक अच्छे चीज़ का नशा है कि बुरी चीज़ का नशा। तो अगर इस तरह के जैसे सबने कहा कि आप एल्कोहल है, ड्रग्स है, बहुत सी चीज़ें अगर इन चीज़ों को लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम सब जानते हैं, समाज के पढ़े हैं, हमको पता है कि हम रात दिन ये समाचार सुनते हैं, उसके क्या दुष्प्रमाण हैं, क्या दुर्घटनाएं होती हैं, क्या क्या समाज में और घटनाएं होती हैं, हम सब आज सोशल मीडिया में सब जानते हैं। और मुख्यालय से अखबार का कोई भी ऐसा पन्ना नहीं होता होगा जिसमें इसके के दुष्प्रभाव के बारे में लिखा हुआ, तो हमेशा लिखा रहता है। हम जानते भी सब लोग और सब चाहते भी हैं कि इससे समाज को बचाया जाए, लेकिन कई सबकी कई बार सीमाएँ होती हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन आज की संगोष्ठी में लिखा है कि महिलाओं की भूमिका, क्योंकि हम सब जानते हैं आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा करता है, कृपया उसको सहायता करें, उसको इस रास्ते से बाहर निकलने में सहयोग करें। हो सके अगर आप और आगे बढ़ते हैं, उसको किसी नशा मुक्ति केंद्र ले जाएं। अगर हम आपके आसपास के समाज के किसी व्यक्ति को सुधार सकते हैं, तो इस समाज के प्रति हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और एक बार पुनः आप सबके आगमन के लिए आपका स्वागत, और साथ ही आपका धन्यवाद। नमस्कार।